हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश दुदत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि माइक्रो प्रोम कटर कैसे यूज करना है, जैसे यू कट वाला सेटिंग कैसे बनाना है, स्क्वायर प्रोम वाला कैसे बनाना है। सीधी पट्टी में तो सब बना ही लेते हैं, लेकिन अलग अलग शेप में कैसे बनाए समझे, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, ये हाउ टू माइक्रो प्रोम सेटिंग यू कट। लेकिन ये सीधा एक रिंग था, उसमें तो सबको बन जाता है, लेकिन अलग शेप में कैसे बना, जैसे कॉर्नर वाला डिजाइन आता है, जैसे पियर शेप है, तो पियर शेप में हमें कैसे बनाना है वो हम आज देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। आज हम देखने वाले हैं पियर शेप में। सबसे पहले मैं एक वियर शेप बनाया था। अगर आप मेरा वीडियो जो है वो पूरा ही देखिए, क्योंकि मैं काफ़ी बार जो चीज़ आपको बताता हूँ वो पूरा शॉर्टकट डिज़ाइन कैसे बनता है वो उसके हिसाब से बताया। जैसे मैं आप पियर शेप शायद आप मेरे हिसाब से भी बनाते होंगे, लेकिन मैं कैसे बनाता तो हूँ आप देख लीजिए। आप अलग अलग हिसाब से पियर शेप बनाते होंगे। मैं पियर शेप हमेशा ऐसे बनाता हूँ, जो मुझे साइज बनाना है तो उसका पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ। जैसे अभी मुझे बनाना है, मैं हम 15 mm में बनाते हैं, और 15 mm तो नहीं, लेकिन अभी मैं इतना ले लेता हूँ। अभी मैंने सर्कल ये लिया है, मेजर में जाके मेजरमेंट कर लेता हूँ, 11.8 mm का। तो इसके हिसाब से पियर शेप कैसे करना है इसमें से, तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, इसका 0.1 कर लेता हूँ, सर्कल ले लिया, उसके बाद ये जो पॉइंट है उसको ऊपर ले लेता हूँ, ये पियर शेप हो गया। अभी इसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये लाइनिंग है एकदम स्ट्रेट आ रहा है, फिर यहाँ से राउंड हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, इसका 0.1 करके आपको अलग शेप करना है। जैसे थोड़ा ऊपर ले लिया, थोड़ा 1D करके बाहर ले लिया, पूरा थोड़ा पूरा ऐसे दोनों साइड से 1D करके दबा दीजिए शेप, तो पूरा पियर शेप लगेगा। ये वाला पोजीशन थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और ये वाला भी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये हो गया। अभी इसमें हमें कैसे करना है, तो ये इससे बनाने के बाद भी आपको एक देखना है कि इसमें जो पॉइंट कॉर्नर है वो आपको डिज़ाइन आगे बनाने में शायद प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको एक कर्व ड्रॉ कर देना है और दोनों साइड से इसको ट्रिम कर देना है। एक साइड से ट्रिम कर लिया, फिर ये वाला डिलीट करके इसको रिपुल कर दीजिए। रिपुल में आप शायद 12 पॉइंट रख लीजिए, 12 पॉइंट रख लिया, फिर इसको मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाने के बाद इसको दोनों को ज्वाइंट कर देना है, और ये जो बीच वाला पॉइंट है कॉर्नर वाला, ये देखिए आप कॉर्नर होगा यहाँ पे, खींच के देख ले तो ये जो कॉर्नर का कव है उसको डिलीट कर देना है। ये बन गया आपका पियर शेप परफेक्ट। अभी इसमें हमें 1.5 के डायमंड में हम पियर सेटिंग का यू कट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ऑफसेट लगा देता हूँ 1.7 का। ये 1.5 का है, 1.7 का ऑफसेट लगा लिया। अभी इसका मैं सरफेस बना देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से एक्सट्रूड कर्व में। अभी ये दोनों साइड आ रहा है, बोथ साइड कर देता हूँ -1.5 इसका हाइट रखता हूँ हमेशा यू कट का, तो इसका हाइट रख लिया मैंने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये दोनों को फ्लीट एज करके थोड़ा आपको दोनों साइड से राउंड कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर लिया दोनों साइड, और यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो 0.2 आपको उसको राउंड कर देना है, ये हो गया। अभी इसे आपको मैं यू कट करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पियर शेप अगर है तो आपको डायरेक्ट कैसे डायमंड बिठा सकते हैं, तो उसके लिए हम वही टूल्स यूज़ करेंगे। अभी मैंने 1.7 का ऑफसेट लगाया था, तो 1.7 का डिवाइड 2 करेंगे, 0.85 आ रहा है, तो 0.85 का ऑफसेट लगा देता हूँ, 0.85 का ऑफसेट लगा दिया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए अभी मुझे इसमें डायमंड बिठाना है 1.5 का, तो 1.5 का एक डायमंड ले लेता हूँ, राउंड डायमंड ले लिया 1.5 का, इसको मूव करके एकदम बीच में यहाँ पे बिठा लेता हूँ, और फ्रंट से देखूंगा तो एकदम लेवल है। तो उसके लिए अभी
ये डायमंड, दो डायमंड के बीच में इसे 0.15 का जगह रखना है, तो 0.15 का सर्कल ले लिया और यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसको। डायरेक्ट हम कॉपी करने वाले, एक एक नहीं बिठाना है, इसीलिए सर्कल डायमंड को सिलेक्ट किया। ट्रांसफॉर्मर में ये वाला ऑप्शन देना है, अरे अलोंग कर्व, अरे अलोंग कर करके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी लिख देता हूँ मैं। 35 तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर से 25 लिख देता हूँ। लेकिन ये जो हमें गैपिंग रखना है वो आया नहीं है, तो उसके लिए फिर से वही ऑप्शन ले लेना, 20 डायमंड, 20 में ज़्यादा कम हो गया तो 22, 23, 23 में हम देखते हैं यहाँ पे ठीक आया नहीं है, 24 देखिए। अभी ये थोड़ा अंदर आ गया, लेकिन उसके हिसाब से हमें ऊपर भी देखना है कि ये देखो ऊपर कैसे हो गया, एकदम परफेक्ट सेंटर में भी आ गया और दोनों साइड से एक ठीक हिसाब से बैठ गया है। तो अगर ये टूल्स के बारे में हमको डिटेल में चाहिए तो मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, हाउ टू यूज़ अरे अलोंग कर्व ज्वेलरी मैट्रिक्स सेट। ये वीडियो आप देखिएगा, इसमें अलग अलग शेप में कैसे कॉपी करना है वो भी मैंने आपको बताया है, तो आप उसमें पूरा वीडियो देख लेंगे, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो अभी ये वीडियो में अभी मैंने ये दो को डिलीट कर देता हूँ। तो हम ये डायमंड को अभी क्या करेंगे, उसको थोड़ा नीचे ले लेना है F6 दबा के, या फिर मूव करके भी हम नीचे ले लेते हैं। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, ये बंद कर देता हूँ। ये डायमंड को मूव करके ऐसे नीचे ले लेना है, पूरा नीचे आ गया। अभी इसमें क्या करना है, पूरा डायमंड सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ में, F6 दबा के, हाँ एक मिनट रहा, देखिए थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। पूरा डायमंड सेलेक्ट कर लेना है, F6 दबाना है और माइक्रो प्रॉन कटर लेना है। माइक्रो प्रॉन कटर लेने के बाद इसमें काफ़ी सारे सेटिंग करने रहते हैं, आपको बता देता हूँ मैं जैसे करता हूँ, वही आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। ये वाला ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे स्टाइल में पहले वाला ले लीजिए, पहले वाला ले लिया, उसमें यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये शेप जो है वो पूरा अलग है, उसको यू कट करना है। यू कट मतलब प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में आपको यहाँ पे यू कट है, यू कट ले लिया, ये हो गया। अभी इसमें ये जो यू कट है उसको, ये जो हम ये जो पोजीशन है वो प्रोंग रहेगा, तो प्रोंग का भी थोड़ा साइज बड़ा रखना पड़ता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ कि ये जो है वो आपको शिफ्ट दबा के पूरा अंदर लेना है, मतलब जीरो कर देना है, अंदर की साइड है जीरो हो गया। अब जीरो कर देंगे तो डायमंड के हिसाब से कौन सा प्रोंग रखना पड़ेगा वो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाए, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि यहाँ पे हमें जीरो करना है, तो जीरो कर दिया। उसके बाद 3D करिए, 3D में दोस्तों ये देखिए, ये जो कटिंग आ रहा है मेटल के अंदर वो पूरा यू शेप नहीं आ रहा है। यू शेप करने के लिए क्या करना है आपको, ये हाइट पहले तो कम कर देना है, अंदर ले लीजिए शिफ्ट दबा के 1 mm हाइट कर दीजिए इसका, और ये जो पोजीशन है वो बीच में ले लीजिए 0.5 तक, ये जो 0 ले लीजिए 0, ये आप 0 कर देंगे तो डायमंड के हिसाब से जितना हमें कट लगाना पड़ता है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये जो मैंने बताया पहले, सबसे पहले ये वाला, ये पॉइंट ये 0 कर देना है, और साइड व्यू से इसका जो हाइट है वो 1 mm कर देना है, और ये जो ड्रॉप का बॉक्स है उसको नीचे लेके 0 तक कर देना है, ये 0 मैंने कर दिया। तो इतना होने के बाद आपको एंटर दबा देना है, एंटर ले लिया। अभी यहाँ पे मेन चीज़ हमें प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है, ये चीज़ देखना है कि हमें ये वाला सेटिंग कैसे करना है। अभी हम यहाँ से ये कट कर देंगे तो पूरा शेप बिगड़ जाए, तो उसके लिए क्या करना है,
हाँ सबसे पहले तो हम जो रेगुलर करते हैं इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, और ये जो वाला कटर है उसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। जो अभी ये जो कटर है उसको पहले कट लगा देते हैं। सिलेक्ट किया, इसको डिफरेंस करके कट कर देना है। ये डिफरेंस ले लिया, ये मैंने अनग्रुप किया है तो एक साथ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये राइट क्लिक करके एंटर दबा दिया है तो जो इसका यू कट था वो कट हो गया है। उसके बाद जो बीच वाला जो है चैनल बिल्डर वो लेना है। पूरा डायमंड सिलेक्ट कर लिया, F6 दबा के चैनल बिल्डर लेना है। चैनल बिल्डर लेने के बाद इसमें भी ये सेटिंग करना है। ये जो है विथ वो आपको 60% तक रखना है। ज़्यादातर मार्केट में यही चलता है, 60% आप रखेंगे तो एकदम ठीक उसका जो प्रॉन्ग का थिकनेस है वो आ जाएगा। तो ये 60% या फिर 55 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं 60 रखता हूँ, इसके लिए आपको ये 60 बता रहा हूँ। हाँ 60% रख लिया, फिर राइट व्यू से उसका हाइट कहाँ तक खींचना है क्या करना है वो आप देखिए। अभी ये जो नीचे से इसका देखिए नीचे राउंड किया हुआ है, ये जो सेक्शन है वो नीचे से राउंड है, उसको पहले स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला स्क्वायर वाला ऑप्शन ले लीजिए। ये ले लिया, इसका हाइट कहाँ तक रखना है, ये इसका हाइट जो यू कट हमने किया हुआ है उसके लेवल तक रखना है। जैसे इसका कुछ मेजरमेंट है नहीं, लेकिन आपको ये नीचे का जो पोजीशन है वो लेके आपको यू कट तक ले जाना है। यू कट तक ले लिया, ये लेने के बाद एंटर दबा दीजिए तो ये पूरा चैनल बिल्डर आ गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद डिफरेंस में ये वाला लेके एंटर कर देना है। ये हो गया, देखिए यहाँ पे यू कट हो गए। अभी हमें मेन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अभी क्या करना है। अभी इस ये जो कर लिया उसके बाद हमने जो हाइड में जो कटर रखा था उसको लाना है। ये ले लिया, इसको क्या करना है, इसको आधा यहाँ से काट देना है। यहाँ से ये बॉक्स ले लिया, यहाँ से आधा मैं इसको काट देता हूँ। ले लिया डिफरेंस, इसको भी रोटेट करके ये जो डायमंड के यहाँ का जो पोजीशन है वहां तक लाना है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ये रोटेट कर लिया, इसका मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाने के बाद राइट व्यू से एक बार देख लीजिए इसके लेवल पे है या नहीं। लेवल पे नहीं है तो आप अप डाउन कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करके मैं भी इसको कटिंग कर देता हूँ। देखिए कटिंग हो गया। अभी इसमें एक और चीज़ करना है कि ये जो डायमंड ये देखिए प्रोंग बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो उसके लिए मैं कंट्रोल जेड करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जो कटर है उसको तो प्रोंग थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा वनडी करके छोटा कर देता हूँ। फिर मिरर लगाने के बाद ये कटिंग कर देता हूँ मैं। ये हो गया। इसके बाद और एक चीज़ करना है, वो क्या करना है, डायमंड को सिलेक्ट करने के बाद जेम कटर लेना है। सिर्फ एक डायमंड को ही करना है अभी ये, उसमें ये वाला ये ऑप्शन ले लीजिए। ये ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसका जो राउंड कटिंग है वो पूरा राउंड कट कर देना है। ये नीचे तक जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ये कर लिया, इसको एक बार कट कर लीजिए। देखिए हो गया। इसके हिसाब से ये अभी अगर पियर शेप है तो ऐसे आपको कटिंग करना है। अभी इसमें एक और चीज़ है, कटर जो लगाना है जेम कटर वो कैसे लगाना है। पूरा डायमंड को सिलेक्ट कर लिया, F6 दबाने के बाद जेम कटर जब लेते हैं, सॉरी ये जूरा कटर आ गया। पूरा डायमंड सिलेक्ट करने के बाद F6 दबाने के बाद जेम कटर ले लेंगे। उसमें तीसरा वाला जेम कटर है उसमें ले लेंगे। ये ब्लू लाइन से थोड़ा ऊपर लेना है, ये जो ब्लू बॉक्स है उसको थोड़ा ऊपर लेना है। इसमें हमें देखना है कि ये जो हम कटिंग लगाते ना वो खाली हमें राउंड ही कट लगाना है। यू कट जो सेटिंग रहता है माइक्रो कट कटिंग वाला, उसमें हमें कटर जो लगाना है वो खाली राउंड ही लगाना है और नहीं लगाना है। मतलब इसको मैंने ऊपर ले लिया, ये बॉक्स तो बाहर निकला हुआ है ही, तो ये यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अभी आपको इसको सिलेक्ट करके डिफरेंस करके ये कटिंग कर देना है। देखिए हो गया, ये अभी पियर शेप में मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, हम कटिंग कैसे करना है। पूरा यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है कॉर्नर पे कैसे करना है। अगर और भी
शेप है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हार्ट शेप है उसमें भी कॉर्नर आता है, ओवल शेप में तो ठीक ही रहेगा, वो तो हो ही जाएगा। अगर अलग अलग शेप में आपको अगर पता नहीं है कैसे करना है तो भी आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं आप आगे वीडियो लाते रहूँगा, इसके लिए आप मेरा वीडियो चैनल देखते रहिएगा। मैट्रिक्स के बारे में अलग अलग वीडियो लेके आता हूँ मैं आपके लिए, तो आप देख के रह गए। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।